नमस्कार, न्यूज इंडिया टीवी चैनल में आपका स्वागत है। वकील की शादी का कार्ड हुआ वायरल, वेडिंग कार्ड में ही बता डाला विवाह अधिनियम और संविधान की धाराएं। कई हर कोई अपनी शादी के खास और यादगार बनाना चाहता है और इसके लिए वो तरह तरह के अनोखे तरीके भी अपनायाता है। खास तौर पर शादी के कार्ड में लोग बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कार्ड पर अनोखा संदेश लिखवाते हैं तो कुछ लोग शादी के कार्ड को बहुत ज़्यादा सजावट करते हैं जिससे कि वो अलग और खास दिखे। जिसे अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों के साथ समाजवादी पार्टी के रंगों में छपे यूपी के शादी का कार्ड और मंदूरे के एक जोड़े की शादी का कार्ड जिस पर उन्होंने QR कोड प्रिंट किया काफ़ी वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही कुछ दिलचस्प शादी के कार्ड्स अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसे ही कुछ शादी के कार्डों की लिस्ट में गुवाहाटी असम के एक वकील का वेडिंग कार्ड भी शामिल हो गया है। इस कपल ने अपने खास दिन के लिए एक संविधान थीम वाला शादी का कार्ड छपवाया है। कार्ड में समानता का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्याय के तराजू के दोनों ओर दुल्हा और दुल्हन के नाम लिखे हुए हैं। शादी के नियंत्रण में भारतीय विवाहों को नियंत्रित करने वाला कानूनों और अधिकारों का भी उल्लेख है। कार्ड में लिखा है कि विवाह का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है, इसलिए यह मेरे लिए एक मौलिक अधिकार का उपयोग करने का समय रविवार 28 नवंबर 2021 को है। निमंत्रण में आगे कहा है कि जब वकीलों की शादी होती है तो वो हाँ नहीं कहते, वो कहते हैं हम नियम और शर्तों को स्वीकार करते हैं। संविधान पर आधारित शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जबकि कुछ लोगों ने मजाक के में कहा गया है कि अनोखे निमंत्रण बढ़ने का बाद CL8A पाठ्यक्रम का आधा हिस्सा पूरा कर लिया।